भाई फिर से स्वागत है आपको सागर मंडा एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आया तुमने ननिहाल, जिसका ब्लॉग आपने पहले भी देखा था। हम लोग करेंगे बहुत ज़्यादा गदा मस्ती और दिवाली भी मनाएंगे। और मैं आपको एक बहुत एंटरटेनिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये बैंड। ले चले जी गाना सेट की जय। पेड़ भाई सब बदमाश तगड़ा होने लगे। बहुत भयंकर चीज, एकदम प्रीमियम एकदम स्टेरिंग तक एकदम पार है। तस्कर गैंग एंड म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन के लेने के लिए आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हरीश कहीं करना बजे मेन यही से मेन खिलाड़ी यही से साउंड सिस्टम चलाने वाला सिस्टम है भाई हरीश का। वाह अच्छा वाह। इन दोनों में ऊपर ये वाला जो टॉप है, इन दोनों में साउंड आता है, नीचे बेस सिस्टम है दोनों में। ये है और हाइट देख लो, बड़ा वाला दो स्पीकर नहीं है, 10 फुट ज्यादा है। ये भाई सिस्टम तो काम में यही करे, देखे मजा ले भाई साउंड सिस्टम। इसको बताओ, इसको बताओ। ये दुकान का मालिक है। हाँ ये मालिक है। और ये मनोरंजन करता है, ये कार्य करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक साउंड ट्राई हम लोग कर, एक ट्रैक ट्राई कर लेते हैं, बेस सुन लेते हैं। स्पीकर की गारंटी नहीं है इतने आनंद मंगल सीन होने के बाद, गाने वाने सुनने के बाद, अब हम आए हैं हमारे घर पे। ये मेरा घर आपने बहुत बार देखा होगा, देखा वैसा का वैसे ही है। खाली ये जो ये हरा हरा भी नया अपन लोगों ने वो उस समय लगाया था, तो पर अभी बहुत ज़्यादा घना हरा हो गया। बाकी इसमें मतलब जब वो हल्की हल्की गर्मी की शुरुआत होती है और ठंड की एंड होती ना, उस टाइम पर इतने बढ़िया फूल आते हैं। इस पर ऑरेंज कलर के, इस पर रेड कलर के हैं, बहुत मक्खन। अब घर को इतने टाइम बाद वापस देखते हैं तो इसमें मतलब हर बार आके यार मेहनत बहुत करनी पड़ती है, इसका कुछ ना कुछ सिस्टम करना ही पड़ेगा परमानेंट जैसा। जब भी आते थे देखो ये सारा जो होता, अभी ये अभी हम लोग 20 दिन पहले आए थे, तो 20 दिन पहले ये सब करके गए थे थोड़ा थोड़ा और फिर वापस उग गया। तो बहुत अजीब सा लगता है आने के बाद, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वापस आओ, वापस सफाई करो, फिर एक दिन भी नहीं रुक सकते, वापस काम वापस कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। ये वो कमरा है जहाँ पे हम लोग मतलब आनंद फुल माहौल और बनाते। कितना भी कुछ भी हो, अगर भाइयों के साथ तुम हो और मित्रों के संग, तो ये भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है। ये स्वर्ग से कम नहीं, मतलब फुल माहौल और बना सकते हो, मज़े ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। हम तो रहते हैं अक्सर, मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जब कोई साथ में होते हैं, भले थूक से थूक बेकार से बेकार जगह भी होते हैं, तो भी मतलब फुल एंटरटेनमेंट आपको भी मिलेगा। अभी तो चलो हम लोग सफाई कर रहे हैं, ये मम्मी कर रही है। ये अपना किचन है, किचन नहीं ये तो है कबाड़ खानों। कबाड़ खानों तो नहीं कह सकते क्योंकि क्या है कि सारा सामान इसी में पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा, गेट अच्छा है इसी के। यहाँ पे करवाएंगे थोड़ा पैसा ऐसा आने के बाद, यहाँ भी काम करवाएंगे। काफ़ी अच्छी कैसे सफाई कर ली हम लोगों ने। ये देखो एकदम क्लीन क्लान, जितना भी कचरा था सब इकट्ठा करके जला दिया इसकी वैन। ख़त्म करो किस्सा ही। मैं क्या ये ट्राइपॉड निकाला था जो मुझे अर्पित पांडे ने और रवि तस्कर ने और तस्कर गैंग ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये देखा बड़े, ये 8 नवंबर को दिया था, इस दिन अपन स्कॉर्पियो में घूम रहे थे उस दिन दिया था। खाली अर्पित पांडे ने दिया है, ऐसा कहेंगे नहीं दिया। इसमें अभी लगाते हैं, फिर इसमें अपन लोग शूट करेंगे। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ये एकदम, आप लोगों को देखने में कितना सिनेमेटिक लग रहा होगा। नहीं एक चीज़ और करते अपन, इतना निकलता है और बाप रे। क्या कि हमारे घर में तो सभी इंजीनियर है भाई, हम हमारा काम खुद अपने हुनर से अपने हाथ से कर लेते हैं, जो नहीं आता है वो करके ख़राब करके सीख लेते हैं। सीखने को भी मिलता है, काम भी हो जाता है और जिम्मेवारी भी बनती है भाई, इसने गलत किया इसको मार भी सकते हैं। इसीलिए एक एलिवेशन बताता हूँ कि इस कमरे को कैसे बनाएंगे हम लोग। ये नीचे तो पूरी है ना, वो होती है दरी होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ ये वाली पड़ी हुई है, ये दरी ऐसे पूरी पड़ी रहेगी, नीचे वही रहेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ एक बार मतलब ऐसे घुमाया और साफ किया। ये तो इसको ऐसा रखेंगे कि कहीं पे जैसे दाग वगैरह गिर गया तो वहाँ से थोड़ा सा साफ कर दो दूंगा, नहीं तो इसको एक बार निकाल दिया बाहर रख धो दिया वापस लगा दो घर के अंदर, ऐसे सिस्टम करेंगे। फिर यहाँ पे तस्कर गेंगे एकदम सोफ़ा सेट लगाएंगे यूँ,
ऐसा इतना बड़ा जिस पे तस्कर गैंग आराम से बैठ सके, फिर बाद में उसके लिए यहाँ पे वो लगाएंगे क्या कहते हैं जिसमें आप अपना श्रृंगार करते हैं, ड्रेसिंग ड्रेसिंग जो होगा वो यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ पे एक खिड़की होगी, यहाँ पे देखो यहाँ भी खिड़की होगी, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ भी खिड़की होगी, और ये अपना वेंट है, वेंट बोलते हैं ना जो घर के अंदर चाहिए होता है कि भाई हवा आने जाने के लिए, वो ये वेंट है, ये वो बन जाएगा। तो बाद में ये जो एक खिड़की रहेगी, और यहाँ पे होगा पर्दा, पर्दा लगा देंगे। फिर यहाँ पे एक बेड लगा देंगे, यहाँ सोफ़ास लगा देंगे, फिर यहाँ एक पापा का बड़ा सा वॉलपेपर लगाएंगे। फिर ये जो है इसको अपन लोग बंद नहीं करेंगे, इसके यहाँ पे एक दो तार लगवा देंगे, यहाँ छोटा सा एक LED लगवा देंगे ताकि एक तस्कर गैंग आराम से अपने सारे वायरल वीडियोस, फेमस वीडियोस, व्लॉग्स जो है आराम से देख सके। फिर इधर बीच में ना एक छोटा सा टेबल लगवाएंगे, इसके अंदर रात को तस्कर गैंग अगर टायर्ड हो गई तो थोड़ा सा पानी वानी ले सके, सोडा वोडा दे सके, फिर रात को यहीं सोने का रहेगा। फिर इसमें जो जितने भी घर के कोने हैं, जैसे कि ये कोना है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, इन सब कोनों में क्या करेंगे कि बुलेट लगाएंगे। बुलेट का मतलब बम, गोली, बंदूक, असला, ऐसा है। मेरे कहने का मतलब जो साउंड सिस्टम होता है उसकी एक बुलेट आती है जिसमें दो बेस दो टॉप होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बढ़िया लगेंगी ताकि आगे जाके आनंद से इंजॉय करेंगे। मैं अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ खुश हूँ, एंटरटेन करता हूँ, अपने व्लॉगिंग पे खुश हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गाड़ी हो, बस अच्छा सा परिवार हो, बढ़िया मस्त रहो तुम जीवन में, इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रैब करने की कोशिश करते हो, वो कहते हैं ना वो मिट्टी में जितनी ज़्यादा इसको टाइट पकड़ के रखते हैं अपने मुट्ठी को, उतना वो मिट्टी निकलती है हाथ से, वही सिस्टम है। तो अब मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को लिमिटेड लाइफ चाहिए, मतलब लिमिटेड लाइफ स्टाइल चाहिए जो मेरे को सेटिस्फाई कर सके और वो लॉन्ग लाइफ रहे जब तक तुम्हारी ये एंड ना हो जाए तब तक। अभी हम लोग क्या है वहाँ से आ रहे थे तो एक छोटी सी जगह हम लोग यहाँ रुके हैं, यहाँ इसलिए रुके क्योंकि बहुत टाइम पहले जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम यहाँ आए तो हम लोगों ने मतलब तब टॉयलेट की फैसिलिटी है, तब हम भी शायद 4-5 साल 6 साल के होंगे, तो वॉशरूम के लिए यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे हमारा एक भाई था तो उसने हमको एक स्टोरी बताई, स्टोरी में ये बताया कि इस गांव में एक पुतली थी, पुतली बोले तो मतलब यहाँ जंगल में एक जगह पेड़ था तो वहाँ पे एक गोल मुंडी बना दी, वाइट कपड़े पहना दिए उसको, उसे लटका दिया। तो उस पुतली के साथ ऐसा होता था जब कभी कोई गाँव का कोई आदमी ऐसे जाता था मतलब वहाँ फ्रेश होने के लिए फिर किसी भी गाँव से, तो अगर उस पुतली ने पीछे से बुलाया और आपने पीछे देख लिया तो आप लोग फिर वहाँ से भाग नहीं सकते, या तो आप लोग ऐसे करके यूं होकर गिर जाओगे, या फिर आप हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, गिर जाओगे, या फिर आपको कोई बीमारी लग जाएगी, ऐसा कुछ। तो एक दिन हम लोगों ने यही ट्राई किया और यही जब वो जगह थी, ये देख लो ये बना हुआ है, वो पूछते नहीं ये अंदर से ये देखो गिरा हुआ टूटा हुआ दिखा देता हूँ, इस जगह हम लोग आए वो बोले यहाँ पे ये सिस्टम होता है, तो हम लोग हम छोटे थे तो हमारे तो फटी, ये देखो भाई हमको लगा डर, तो उसने ये सारी कहानी बताई, हम लोग बोला आप चलते हैं रात के टाइम पे अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत किया, कभी भी कुछ भी हो सकता है, देखो कोई मतलब जो होती है सुपरलेटिव पावर से कुछ भी हो जाए तो क्या पता। फिर उसके बाद हमको उस इसका निवारण ये बताया कि अगर आपके साथ ऐसा होता है आप लोग क्या करना है, नंगा हो जाना है, पेंट खोल देना, उसको भागना है तो आपके पीछे भूत बिल्कुल नहीं दौड़ेगा, खराब हो जाएगा मैं लो, हो भी सकता है ऐसी जो होते भी हो, पर देख लो हट जा तार सर में आएगा, अब नहीं आ भाई। ओहो मानने के यो अट्टे है अने यो अट्टे खो दियो दिमाग वो छोको दिमाग चलाए और इस कहीं करा अबे इससे क्या हो सकता है, अभी एक बार भैया बोले लेफ्ट में खोदो तो राइट से निकलेगा, अब ये राइट में खोद रहा है लेफ्ट से निकलेगा, गजब यार, थैंक यू सो मच बेटे, बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये पूरा गेट जो है इसी लड़की ने कलर किया, इसको हम CM से अवार्ड दिलवाएंगे, अभी अपन लोग भी काम करेंगे, इसको लेंगे और बढ़िया से दीवार के अंदर छेद करेंगे ताकि पानी की व्यवस्था आराम से आ जा सके, ठीक है? तो भी ढूंढो ट्राइपॉड, इट्स अ वेपन, आ जाओ बंदे आ जाओ। तो बाहर से एक आदमी है वहाँ पर, वो देख रहा है, इसमें विजुअल नहीं, कैमरा विजुअल नहीं, वो देख रहा है किसने पाइपलाइन डाली। कम ऑन बॉयज मेक इट फास्ट, कम ऑन, या वर्क हार्ड। तो अभी अपना एक काम ही पड़ गया, एक काम और चलोगे। अब इस काम के अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये जो अपनी लेबर बैठी हुई है
इससे काम करवा रही है। ये जो दीवार है ये पूरी, इस पे जो पहले वो पतेड़े थे वो बड़े, उन पतेड़ों को एकदम ऐसा सेट करेंगे। अब उसमें क्या होता है, आपने जो पतेड़े सेट किए हैं उसमें अब मान लो बारिश होती है तो बारिश का पानी उसके ऊपर जमा रहता है, तो वो तो फ्लो, अगर एयर का फ्लो है, हवा का फ्लो है, तो वो पानी गिरेगा या फिर रहेगा या फिर इधर उधर डूलेगा तो वह निकल सकता है। अगर हवा का फ्लो नहीं है तो वो कैसे करेगा, तो वो पड़ा रहेगा तो उसे जंग लग जाता है। इसमें कहीं थोड़ी ढाल देंगे, ढिलान ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे जिससे कि पानी जो है वापस नीचे आ सके। उसको ढिलान देने के लिए क्या, जैसे ये सरिये हैं, ये सरिये हैं और ये जो सरिये लगे हुए हैं ये, इनसे क्या होगा कि ये जो इतना अपना पहले था तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। मारो जाए, मारो नहीं तो क्या यार, वैसे हैवी वजन नहीं आता था, टुकड़ा टुकड़ा मिलते हैं। एक आदमी शेरों मारा तो भी आदमी क्यों, मैं AADMIN आदमी भाई ने गलडो, बढ़िया आटी भी गलडो मटी भी गलडो वारे। हाँ तो ऊपर ऐसा करेंगे, फिर बाद में क्या होगा वापस, अब हवा आती है। हवा आने से क्या होता है कि आपकी जो थोड़ी सी गैप रह जाती है अगर उस पतड़े के नीचे, उसमें हवा घुसने के बाद वो क्या ऊपर नीचे ऐसे ऐसे उड़ उड़ जाता है, तो उसे तो क्या करेंगे ऊपर से भी पैक करेंगे। ऊपर नीचे नहीं ऐसे लगा दी, ऐसे नहीं बोला तो वो जो अपन ने अभी ये बीच में देखी होगी आपने, उसको ऐसे लगा के फिर नीचे से पकड़वा देंगे और इधर लेफ्ट साइड से भी पकड़वा देंगे, फिर दोनों साइड फिर टाइट हो जाएगी, फिर वो हवा में हवा घुसेगी तो वो उड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद इसके ऊपर जैसे कि वो टीन के रखे हुए वो सब टीन के बोले तो लकड़ी पत्थर, तो वैसे उसके ऊपर रख देंगे, फिर वो कभी हिलेगा नहीं इन फ्यूचर। वैसे तो अपन लोग ऐसे तस्कर बदमा यूँ हैं तो ऊपर ऊपर अपने बढ़िया बैठने की व्यवस्था भी हो जाएगी, बैठे लगे तो ऊपर बैठ के मैं फिर जमाएंगा और सिस्टम करेंगे। एक ग्राउंड ऊपर लगा कैसे और जो सारे, तो अभी बोलो इधर से नहीं चलते, दूसरे ऐसे चलते हैं नए माध्यम, यहाँ से इधर से इधर से इधर से इधर। ये तो बोला था कि पानी पड़ रहा था ये जंग खा जाते, उसमें इतना जंग लग गया। ये एंग्लो जितना रहेगा इसके ऊपर पतेड़े रहेंगे और इसके तो इसके नीचे रहेंगे, इसके ऊपर रहेंगे, ये सिस्टमेटिक रहेगा। ये लेबर भी है हमारे पास, कर की लेबर है, और ये इसकी मैटर तो ये है जैसे जितने पैर रख रहा हूँ तो नहीं है वह, बाकी टूट भी सकती गिर भी सकती कुछ भी हो सकता है। एक मिनट सागर, ये बाइक तो किने ट्रक, तो फाइनली इतनी मशक्कत के बाद हम लोगों ने इन सब वेपन से इतना तो खोद दिया, इस तरह बाटे बाटे निकाल लिए और बस वहाँ से आ जाएगा पाइप, फिर पानी की व्यवस्था फुल चालू। या कम ऑन भाई सुरवीर, सो लेट्स मूव ऑन, ले पकड़ हम तो भी हो चलो बॉयस, चलो आ जाओ पकड़ो हाथ लाओ दे लाजा, यूकर बंदे को पकड़ ले, लाओ भाई लो भाई हाथ दे दे चढ़ दे चलो। ओह माय गॉड इज द फ्यूचर। This is the future. Evolution. समय समाप्ति की घोषणा। हाय बोले तो वो तो एक ऊपर फेंकेगा जिससे कि ऊपर फूटने का आनंद आवे।